अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं यूथ क्लब के सीईओ राजा ज़ियाउल हक़। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर सबसे पहले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी को टाइम दिया। सर आप ये बताएं कि लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद और आने के बाद सेमिनार करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जिस तरह से ये मैनेजमेंट हुई थी, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन थी और स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे उनका जोश और वलवला देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि माशाल्लाह एक ऐसा इवेंट जहाँ पे अल्लाह ताला की दीन की बात होगी और पर्पस ऑफ लाइफ की बात होगी, वहाँ पे लोगों का इतना जज्बा होना और शौक होना, ये बहुत एक खुशी की बात है मैं समझता हूँ। अच्छा सर एक क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें एक इस्लामी जो कल्चर होता है और लिबरलिज्म जो कल्चर है इसके अंदर एक दरार नज़र आती है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी ड्रेसिंग सही नहीं होती, आपको क्या लगता है क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ के अंदर दरार पैदा कर रही हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ हों वो ऐसी हों जो हमारे मुल्क के जो दीनी एतबार से भी और सकाफती एतबार से भी उसके साथ मैच करती हों। जाहिर सी बात है जब आप उन चीज़ों को छोड़ के ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि ना हमारा दीन इजाज़त देता है ना वो हमारा कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है, तो फिर उसके अंदर माशरे के अंदर प्रॉब्लम्स मज़ीद पैदा होती हैं और फिर वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा परेशानी का बायस बनता है कि जी बच्चा हमारा जा रहा है, जब जाना शुरू होता तब तक तो ठीक था, ये अब क्या हो गया, बच्चे तो चेंज हो रहा है और वही उसके फिर रवैयों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का काम सिर्फ केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ साइंस पढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि अखलाकी जो उनकी डेवलपमेंट है उस पर काम करना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना, किरदार साजी करना, ये भी बहुत बड़ा उनका काम होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि सर आजकल नौजवान नस्ल को ये पता नहीं चल रहा कि उनके अंदर टैलेंट कौन सा है, उनको अपनी मंजिल पता नहीं चल रही है, उनका मतलब पता नहीं है कि हमने फ्यूचर में किस चीज़ में एक्सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट के, उसको पता चलता है कि उसका उसमें शौक नहीं है, वो सीएस के उसको 8th सेमेस्टर में जाके पता चलता है कि जी उसका शौक नहीं है इसमें, उसका किसी और चीज़ में, मतलब मंजिल का तायुन सर आजकल नौजवान नस्ल के अंदर बहुत मसला है, इसके बारे में क्या इसका सलूशन क्या होगा? देखिए सोल्यूशन इसमें बहुत सारे हैं, एक तो हम जिसको मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले अपने साथ टाइम गुजारें, थोड़ा सा टाइम निकालें और फाइंड आउट करें आप खुद कौन है। बुल्ले शाह ने कहा था ना बुल्ला की जाना मैं कौन, तो पहले तो ये तो पता करो तुम खुद कौन हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और फिर ये सोचें कि यार मैं मतलब ये सोचो कि जब आप लेट सपोज एक दादा बन गए और आपका पोता या पोती आपके पास आता है और आपसे कहता है कि दादा आपने ज़िंदगी में क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट की है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाओ जो आपके जाने के बाद भी एक लेगेसी हो, तो उसके बारे में सोचना। और आप ये सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर आपको ये बता दे कि जी आपके पास 6 महीने रह गए तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, क्या चीज़ें चेंज होंगी? तो ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिनके बारे में अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी मंजिल का तायुन क्या होना चाहिए और किस तरफ मैं लेके जाऊँ। तो उस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए जो भी अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स दिए हैं उनको डिस्कवर करो और फिर उनको अल्लाह ताला की रज़ा में इस्तेमाल करो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इंशाल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस ऐसा काम नहीं करना कि जो हराम हो अल्लाह ताला को नापसंद हो, अच्छे कामों की तरफ लगे, इंशाल्लाह उसी के जरिए अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ भी देगा और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। इन केस हमें ये बताएंगे फ्यूचर में कोई नौजवान आपके यूथ क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, सर इस टाइम आई थिंक सो 90% जब जो नौजवान परेशान होते हैं सर वो आपका चैनल ओपन करते हैं, आपकी वीडियोज़ को ओपन करते हैं और वो उनके लिए एक राह रास्त होती है। सर यूथ क्लब को नौजवान नस्ल ज्वाइन करना चाहती है, इन केस मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं यूथ क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि मेरे यूथ क्लब को ज्वाइन करना है, मैं अपनी खिदमत को सर अंजाम देना चाहता हूँ, हर पाकिस्तानी बच्चे की ये ख्वाहिश है, सर क्या प्रोसीजर है, वो आपके साथ मिलकर इस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो ऑफिसेज़ हैं वो इस्लामाबाद लाहौर और कराची में हैं, तो हमारे ऑफिसेज़ को विज़िट किया जा सकता है, वहाँ जाके आप मालूमात भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इंगेज करें, एक्टिव रहें, हम लोग अपने चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उधर हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम्स को एडवर्टाइज़ भी करते रहते हैं, चाहे वो सर यहाँ सॉरी मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम पर आपने कहा कि हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरे ख्याल में अगर कोई नौजवान वहाँ मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई करना तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। और वैसे मैं तहती से तहत पूरी कोशिश करता हूँ जवाब दे देता हूँ और लोग सरप्राइज होते हैं आप ही हैं जो जवाब दे रहे हैं, हाँ मैं ही हूँ सर। इतने जब आपके पास फेम आ जाए इसके बाद नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे जितना भी हो देर हो जाती है अंधेर नहीं होती, कोशिश करते हैं कि जो लोग भी सवाल करते हैं वो जारी बात है किसी सोच के साथ करते हैं, तो कोशिश होती है कि चलो अगर जो भी जवाब है जवाब उनको जरूर दे दें, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर, मतलब कि आपके आके ऑफिस में विजिट किए जाएंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी और हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें हिस्सा लें, उसमें आएँ, भाइयों से मिलें, जो हमारे लोग वहाँ पे टीमें आ रही हैं उनसे मिलें, जो ख्वातीन हैं वो वहाँ पे ख्वातीन के इवेंट्स में जाएं, तो वहाँ पे जब आप मिलेंगे तो उधर फिर आपका ना ज़रा सलाम दो अच्छी हो जाएगी, फिर ज़रा इन ज़रा थोड़ा पर्सनल होकर इंसान बात भी कर लेता है और फिर पता चलता है कि भाई ये बंदा टैलेंटेड है, उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर, आपको जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया सर।